नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन और प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। आबादी में असंतुलन का मुद्दा उठाना, मुस्लिम समुदाय में बाल विवाह पर रोक लगाना, क्या यह नफरत फैलाने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एजेंडा है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट चर्चा जरूरी हो गई है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान में कहा कि असम की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% तक पहुंच गई है, जो 1951 में मात्र 12% थी, यानी 1951 में सिर्फ 12%। इसलिए डेमोग्राफी में आया यह बदलाव मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मामला बन गया है। एक सीएम ये कह रहे हैं सूबे के। इस बयान पर बवाल तो मचना ही था और बवाल अभी थमा भी नहीं था कि असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार यानी बीजेपी शासन ने मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम को ही खत्म कर दिया। सरकार का कहना है कि इससे मुस्लिम समाज में बाल विवाह पर सीधे तौर पर रोक लगेगी, लेकिन इससे भी कई नेता नफरत फैलाने वाला सरकारी बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। और इन सब के बीच कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक, अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी तक, तमाम लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। आखिरकार संविधान की रक्षा कौन करना चाहता है और नफरत का एजेंडा कौन चलाना चाहता है? स्वागत है आपका आर पार के जोरदार एडिशन में। असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने इस फैसले को बाल विवाह रोकने में अहम कदम बताया है। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में साइल मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा। उनको किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए, वो व्यक्ति मुझे मानसिक रोगी लगता है। हेमंत कुमार बिस्व शर्मा वो मुसलमानों से, मुसलमानों के मसाइल से वो दुश्मनी रखते हैं। इससे पहले हेमंत बिस्व शर्मा के एक और बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%। हम जिला की जिला खो चुका है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये लोग, और संविधान को बदलने की जो इनकी नियत और नीति है उस पर ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। उधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी एक बड़ा बयान दे डाला, हालांकि कुछ घंटों बाद ही उन्हें अपने बयान पर सफाई भी देनी पड़ गई। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास, बंद करो। इट्स माय पर्सनल थिंकिंग एंड ओपिनियन, इट्स नॉट द लाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी। ये भाजपा लीडर्स का अंदर में जो घृणा है नॉन हिंदुओं की तरफ, वही वो बता दिया है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर होटल, दुकानों और ठेलों पर नाम लिखने वाला निर्देश भी विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही निर्देश जारी कर दिया है। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते। सवाल है कि जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या इन तमाम बातों और फैसलों के पीछे 2024 के नतीजे हैं, या फिर जैसा बीजेपी दावा कर रही है वजह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है? तो आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं, आपको मैं उनसे परिचय करा देता हूं। चार बड़े मुद्दे हैं। क्या उत्तर प्रदेश और असम की सरकारों के फैसले नफरत फैलाने वाले हैं? दूसरा मुद्दा, असम में बाल विवाह रोकना क्या मुसलमानों के खिलाफ है? तीसरा बड़ा विषय जो कि महत्वपूर्ण है, जनसंख्या असंतुलन भविष्य के लिए क्या एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है, यानी और उसी से जुड़ता हुआ चौथा विषय, डेमोग्राफी में बदलाव राष्ट्रीय समस्या है,
या पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, ये चार बड़े विषय हैं। और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए मेरे युवा मित्रों का, और एक एक करके परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट पार्टी के नेता, उनका अभिनंदन है। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्यों लगता है आपको राजकुमार भाटी की ये नफरत फैलाने वाला एजेंडा है? नहीं,